बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी और उत्तराखंड में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। 2022 विधानसभा चुनावों में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है मायावती ने। किसी और पार्टी से गठबंधन यहां पर नहीं किया जाएगा। और ऐसे में मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया था कि हमने जब भी गठबंधन किया है तो हमें नुकसान ही हुआ है। ऐसे में ये जरूर देखने वाली बात है कि अब जो चुनाव होने हैं 2022 में, उसके लिए साफ तौर पर मायावती ने जिक्र कर दिया है कि यूपी और उत्तराखंड में पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। आज मायावती का जन्मदिन है और ऐसे पे उन्होंने इस बात का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 2022 चुनाव में मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन यहां पर नहीं किया जाएगा। मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया और साफ तौर पर बोला है कि जब भी गठबंधन हुआ है उनको नुकसान ही झेलना पड़ा है। तो ऐसे में यहां पर कोई भी गठबंधन होता हुआ बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि मायावती ने इस बात ये साफ तौर पर अपनी बात रखी है कि अब कोई गठबंधन नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अकेले ही बीएसपी चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक लगातार पहुंचा रहा है। आज मायावती का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 2022 चुनाव में अकेले ही बीएसपी चुनाव मैदान में उतरेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जब भी गठबंधन हुआ है तो ऐसे में परेशानियों का सामना बीएसपी को करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज 65वां जन्मदिन है। मायावती ने अपने जन्मदिन को कार्यकर्ताओं से सादगी और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सरफनामा भाग 16 और इसका अंग्रेजी संस्करण अ ट्रेवलॉग ऑफ माई स्ट्रगल रिडन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट वॉल्यूम 16 जारी किया है। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पार्टी के लोग कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरी सादगी और कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करें और मेरा जन्मदिन मनाएं। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन, किसान आंदोलन, यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात भी रखी है। किसान आंदोलन को लेकर मायावती ने कहा है कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को गरीबों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत तय है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की शुरुआत करने का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराए। मायावती ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी में हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा था, जहां पर मायावती का आज 65वां जन्मदिन है। ऐसे पर उन्होंने बात यहां पर रखी है, कई विशेष मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और सरकार से अपील की है कि वैक्सीन यहां पर लोगों को फ्री में पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि 2022 में जो चुनाव होने हैं ऐसे में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।